हमें किसी की पना चाहिए, और आमिना के लाल की पना से बढ़कर किसकी पना हो सकती है। हमारा ताल्लुक भी रसूल कमजोर हो गया है, हमें अमेरिका, हमें बर्तानिया, हमें नाम नेहाद सुपर पावर की ताकत पर एतमाद नहीं, जो खुद बॉडी गार्ड लेकर घूमते उनकी औकात क्या है। जिन्हें बिस्तरों पे नींद नहीं आती, तहफ्फुज दस्ते के बावजूद उनकी औकात क्या है। हमें तो उस रसूल का सहारा लेना है, जो सो जाए तो मेराजे मनामी, जो जागे तो खुदा से हम कलामी, जिसकी रिकाब थामने वाला जिब्रील है, जिसकी सवारी बुराक है, और जिसका दीदार अल्लाहु अकबर, जो दीदार करने के लिए जाता है तो जिसकी निगाहें खुदा को देखती है। खुदा की कसम, खुदा वो है जिसका जिस्म नहीं, खुदा वो है जिसके हाथ पैर नहीं, खुदा वो है जिसके कलाम में आवाज नहीं, लेकिन मेरे नबी के कान वो है जिस कलाम में आवाज नहीं, मुस्तफा जाने रहमत उसको भी सुनते हैं, जिस खुदा का जिस्म नहीं नबी उसको भी देखते हैं, जिसकी ताकत का ये आलम हो, जिसकी ताकत का ये आलम हो, हमें उस नबी की पना चाहिए। लेकिन खारजी तौर पर तो तुम्हें फिल्म, सीरियल, इंटरनेट, यूट्यूब और खुदा जाने क्या क्या बलाओं के जरिए नबी से दूर कर दिया गया, और दाखिली तौर पर नबी ये पाक की जो अजमत बयान होनी चाहिए थी वो बयान ना हो सकी, इसलिए ये बात होने लगी वो तो हमारी तरह है ना। जब कह दिया हमारी तरह है तो फिर बचता क्या है। लेकिन उन्हें नहीं पता, लोग उंगलियां देखते हैं, इशारों से चांद के टुकड़े क्यों नहीं देखते, लोग उंगलियां देखते हैं, इशारों से सूरज का पलटना क्यों नहीं देखते। पता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों को देखते हुए एक मरतबा ऐसा हुआ कि सूरज गुरूब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, जो सूरज डुबाते निकालते, ओ फरिश्तों सूरज जो डूब गया उसको निकाल दो। फरिश्तों ने हुक्म माना, निकाल दिया। लेकिन जब मौलाए कायनात की नमाज असर छूट गई, मैं ये नहीं कहता कि कजा हो गई, इसलिए कि हमारे इमाम ने हमें अदब सिखाया, हमारा मसलक मसलक अदब है, हम अल्फाज भी बहुत तोल कर बोलना चाहते उस बारगाह में, जिस बारगाह के अंदर फरिश्ते भी पर समेट कर आते हैं। अली की नमाज कजा नहीं हुई, अगर अली की कजा होगी तो फिर दुनिया में किसी की अदा ही ना हो सके। हाँ, अली की माए मेरे मौला की नमाज छूट गई असर की, छूटना और है, कजा होना और है। इसलिए कजा उसको कहते हैं, उर्फ में कजा उसको कहते हैं लोग, के वक्त से नमाज अदा करने की बजाय वक्त गुजरने के बाद अदा करने को कजा कहते हैं। वक्त जिसका गुलाम हो, वक्त जिसके सामने हाथ बांधे खड़ा हो, वो मेरे मौला की जात है। मौलाए कायनात रोने लगे तो हुजूर ने वहां हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा था ना कि, बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फरिश्तों वापस करो सूरज को। मेरे रसूल ने फरिश्तों को नहीं कहा, क्योंकि दाऊद का हुक्म फरिश्तों पे चलता है और हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म सूरज पर भी चलता है, इसलिए कि दाऊद इंसानों के रसूल बनकर आए थे और उनका इहाता उतना ही था जितना अल्लाह ने मुकर्रर किया था। मुस्तफा जाने रहमत तो सारे इंसानों के, सारे जिन्नतों के और कायनात की हर शय के रसूल बनकर किया है, इसलिए इंसान उनका फरमान मानता है तो सूरज भी उनका फरमान मानता है। लेकिन सूरज जो पलटा है ना, वो किस तरह पलटा है, देखो पलटने की दो सूरतें हो सकती थी, पलटने की दो सूरतें। हुजूर ने कहा पलट, तो वो क्या करता, निकलता फिर जाता मशरिक में और फिर एक सेकंड ही के अंदर घूम करके आ जाता मगरिब में और असर का वक्त हो जाता, ये भी तो पलटना हो सकता था ना। हाँ, आपने किसी का आवाज दी अब्दुल्ला इधर आ, तो वो ऐसे पलटा और आ गया, वो हुक्म माना ना उसने। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मुरीद बाअदब है, बहुत ज्यादा मुक्तदी बाअदब है, अब्दुल्ला पलटा नहीं, क्योंकि अगर ऐसे पलटेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तवज्जो है आपकी,
ऐसे पलटेगा ना, जा रहा ऐसे ऐसे पलटेगा ना, कुछ सेकंड पलटने में लगेंगे, है ना। लेकिन बहुत बादब है, ऐसे नहीं पलटा, बल्कि जा रहा था पिछले पैर ऐसे ही वापस आ गया। पलटने की ताखीर गवारा नहीं की, क्योंकि मेरा पीर बुला रहा है, मेरा इमाम बुला रहा है ना। इसीलिए पलटेगा तो भी हुक्म पे अमल होगा, लेकिन उसको अदब कितना है कि वो पलटा नहीं बल्कि पिछले पैर उल्टे पैर वो वहीं पर कदम रख दिया, जी लबैक। अब सूरज जो पलटा ना, ऐसे भी पलट सकता था कि वो मगरिब से निकलता फिर मशरिक में जाता और घूम करके फिर मगरिब में आ जाता। सूरज ने सोचा बहुत देर हो जाएगी, हुक्म पर तो अमल करना है लेकिन ताखिर नहीं करना। तो मेरा इमाम कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, घूम कर नहीं गया था, बस वैसे ही आ गया। हुक्म पर अमल तो होगा, तवज्जो, हुक्म पर अमल तो होगा लेकिन पलटने में ताखीर होगी, यानी फरमान पे अमल करने में ताखीर भी गवारा नहीं की सूरज ने, बल्कि बिना ताखीर सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से वो चांद अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। हाँ, अब ये जो सूरज उल्टे पांव पलटा ना, अल्लाह ने उसको इनाम क्या दिया, सूरज जब तू मेरे महबूब का इतना फरमा बरदार है, अब कयामत तक तुझे देखकर नमाज के वक्त का तायुन किया जाएगा। घड़ियां पैदा होगी या कुछ और भी तरक्की होगी, एतबार घड़ी का नहीं होगा, एतबार तेरे निकलने और डूबने का होगा। और चांद, तूने अपना सीना शक किया ना मेरे महबूब के लिए, लोग 29 रोजे पूरे करके भी तकते रहेंगे, जब तक तू निकलेगा नहीं लोगों की ईद नहीं। पता चला जो महबूब के फरमा बरदार बन जाते हैं वो इज्जतदार और वकार पा लिया करते हैं।